हाय एवरीवन आई एम डॉक्टर पल्लवी एंड वेलकम टू माय चैनल तो आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ तो आज हम बात करेंगे एक पपी का एक एंटी डायरियल के बारे में अगर आपके पपी को डायरिया हो जाता है तो आप किस तरह की मेडिसिन घर में ईजिली अवेलेबल करके रख सकते हो आप उसी के बारे में बात करेंगे तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला जो पपी डायरिया के अगेंस्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है तो ये है डाई ऑफ डी एस बेसिकली इट्स ए पीडियाट्रिक ड्रग जिसका इस्तेमाल आप पपीज के लिए भी कर सकते हो मेरे पपी को एक बार डायरिया हो गया था वो इसलिए क्योंकि वो मिल्क रिप्लेसर का मैंने इंट्रोड्यूस किया था तब उसको डायरिया हो गया था और अचानक ऐसा होता है जब माँ के दूध से बॉडी मिल्क रिप्लेसर तक के लिए जो ट्रांजिशन है वो कभी कभी हैवी हो जाता है पेट के लिए उन लोगों के लिए तो तब उन लोगों को डायरिया हो जाता है तो ऐसे हालत में आपको एक छोटा सा एक माइल्ड एंटीबायोटिक अगर आप उसको दे देते हो तीन डोज थ्री टाइम्स अगर दे, दे देते हो तो वो डायरिया ख़त्म हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे मोटे तो इन्फेक्शन उन लोगों को होते ही रहते हैं तो ये जो पर्टिकुलर डाई ऑफ डी है ये पर्टिकुलर जो ओरल सस्पेंशन है इसमें ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल दे दे है लेट तो मी एक्सप्लेन ओफ्रक्सासन जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है मतलब ये ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली काम करता है मेट्रोनिडाजोल एक एंटी uh, प्रोटोजुअल है लेकिन uh, जो uh, जो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में बहुत अच्छे से काम करता है इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी प्रोटोजुअल इन दोनों का ओरल से इन दोनों का सस्पेंशन है तो ये पर्टिकुलर जो ओरल सस्पेंशन है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओरल सस्पेंशन बन जाता है बोथ अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ तो इसमें ओफ्लोक्सासिन है 100 एम और मेट्रोनिडाजोल है 200 हंड्रेड एम जी तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मूला है और इसका इसको अगर आप वन एम या तो फिर जीरो पॉइंट फाइव एम एल डिपेंडिंग ऑन द एज एंड साइज एंड बॉडी वेट ऑफ योर पापी आप इसका अगर दे सकते हो अपने डॉग को अपने पपी को तो डायरिया तीन चार दिन में ही खत्म हो जाएगा आप अपनी वेटनेरियन के साथ बात कीजिए और आ, किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो आ, आ, ये मैंने ही इस्तेमाल किया था इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये आपको नॉर्मल ह्यूमन फार्मेसी में ही मिल जाएगा क्योंकि हमारे जो वेटनरी का जो प्रोडक्ट है वो ओफ्लोक्सासिन है ओफ्लोक्सासिन का ही है सेम कॉम्बिनेशन है बट उसमें ओरिडाजोल रहता है इंस्टेड ऑफ मेट्रोनिडाजोल उसका नाम है ओफ्लोकाइंड ओफ्लोकाइंड वेरी पॉपुलर आप लोगों ने नाम सुना ही होगा और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो आई बटन में शायद मैंने डाल के रखा हुआ है तब तो आप उसको चेक चेकआउट कर सकते हो तो ओफ्लोकाइंड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अगेंस्ट पपी डायरिया तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो आप एक बार अपनी विज्ञान के साथ हमेशा बात कर लीजिएगा बिकॉज अगर आप अपने खुद से डायग्नोसिस करेंगे तो उससे शायद मिस इंटरप्रिटेशन हो क्या पता उसको पाड़भूँ है क्या पता आप एक रॉन्ग मेडिसिन दे रहे हो लेकिन अगर आपका डॉक्टर कहते हैं कि हाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है प्रोटोजल इन्फेक्शन है नॉर्मल पपी डायरिया है तो आप इसका इस्तेमाल ये बहुत इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो ये हो गया आपके पपी के लिए एक अचूक अमेजिंग दवाई जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो इसका नाम है डाई ऑफ डी एस अपार्ट फ्रॉम डैट आप ऑफ्लोकाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव दिस इज़ अमेजिंग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर फॉरगेट डू दैट ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे